मिसेज यूनिवर्स 2023 के लिए फिलीपींस में एक प्रतियोगिता होने वाली है। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी और उसमें ग्वालियर की हेमलता जैन प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं इंडिया का, वो भी कैसे देखते हैं इसको आप, कितना उम्मीदें हैं जाने से पहले, क्योंकि एक दिन का वक्त बचा है फिर उसके बाद आप फिलीपींस निकल जाएंगे, कितनी उम्मीदों के साथ में जाने वाले हैं और क्या कहेंगे? मैं पूरी उम्मीद के साथ जा रही हूँ, और मैं ही नहीं वहाँ जितनी भी महिलाएं जा रही हैं वो पूरी उम्मीद और पूरी तैयारी के साथ जा रही हैं। अब जीतना तो एक ही को है। किस तरह से तैयारी है, कितना वक्त लगा आपको इस तैयारी में, कितनी तरह से आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ा इस चैलेंज के लिए, इस कंपटीशन के लिए? मैंने पिछले 7 महीने से जो तैयारियां की हैं, एक तो वेट लॉस किया है और वॉकिंग है, डाइट पे भी ध्यान दिया हुआ है, डांस सीख रही हूँ और सिंगिंग सीख रही हूँ। वहाँ पर टैलेंट राउंड होते हैं छोटे छोटे से, जो एक डांस का राउंड है, एक सिंगिंग राउंड है, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, और एक ये मैंने आपको बोला अंगदान के लिए, तो वो ड्रेसअप भी बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आपने जो नेशनल थीम है यानी कि मोर पे ली हुई है जिस तरह के जो ड्रेसअप, तो इसको ही क्यों चूज़ किया और क्या खासियत रहे, क्या सोचती है उसके पीछे? हमारे इंडिया का पक्षी है, नेशनल पक्षी है इसलिए भी, और ड्रेसेस हमारी सारी तैयार उन्होंने की हैं, हर्ष कुल्लर हैं जो दिल्ली के ड्रेस डिजाइनर हैं, उन्होंने सारी ड्रेसेस तैयार की हुई हैं। तो 100 देशों से ज़्यादा लोग आने वाले हैं यहाँ पर, तो कितना महसूस कर रहे हैं कि आप इंडिया को लेके आएंगे, जीत के आएंगे आप, कितना वो है, आप कितनी उम्मीदें हैं? जीतना और हारना मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं जा रही हूँ अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ, और पूरी तैयारी के साथ जा रही हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, वो सभी तैयारी के साथ जा रहे हैं। अब जीतना एक को है, बाकी तो सब हारेंगे, अब जो भी हो। तो मीनाक्षी जी ने इनको तैयार किया है, इनके ही स्टूडेंट्स हैं, किस तरह से तैयार किया और कितना ये चैलेंज भरा कॉम्पिटिशन हो सकता है, क्योंकि 100 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ग्वालियर से हेमलता जी कितना छोड़ी जी। हेमलता जी पहली बात तो ये कि ग्वालियर की हैं, ग्वालियर की शान है, लेकिन ये रिप्रेजेंट भारतवर्ष को कर रही हैं। दूसरी बात ये कि जीतने और हारने के बारे में जैसे हेमलता जी ने कहा कि कोई भी जीते इट्स ओके, बट मुझे लगता है कि जीत और जीतना तभी से शुरू हो जाता है जब से कि तैयारी शुरू होती है। जब से जिस दिन से कैंडिडेट ने तैयारी शुरू की, अपने मन में ठाना कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये तैयारी करनी है, तब से उसमें धीरे धीरे जो परिवर्तन आने लगता है, चाहे उसका बॉडी हो या कम्युनिकेशन स्किल है या उठने बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, और सबसे बड़ी बात एक सोचने का पॉजिटिव एटीट्यूड, वो जो बदलाव आता है वो ता जिंदगी साथ रहता है, और मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत ये है। कैसे देखते हैं 100 देश भी रहने वाले हैं और इंडिया से ये हैं, आपने उनको भेजा है, किस तरह से तैयारी है? मैं हमेशा यही मानती हूँ कि हमें अपना 100% देना चाहिए, और मैं अपने हेमलता जी ही नहीं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप अपना 100% दें, अपना पूरा जितना जो सीखा है वो वहाँ पे वैसा के वैसा परफॉर्म करें, और बाकी जीतने हारने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हम यही उम्मीद रखते हैं और कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट करें, एंड वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट। तो आप देख सकते हैं मिसेज 2023 का जो कंपटीशन है उसके अंदर हेमलता जी हिस्सा लेने के लिए कल निकलने वाली हैं, फिलीपींस में ये प्रतियोगिता होने वाली है, 100 देश से भी ज़्यादा जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अब ये देखना यही है किसके हाथों में जीत का सेहरा बनता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर कौरी, IBC 24।